1 to 4 में कोई डाउट? फोर्थ में विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया? 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, इसका मतलब मोल कितने हो जाएंगे भैया? 1.7 अपॉन 17, 0.1 मोल है। किसका मोल है भैया? ये मोल है अमोनिया का। अगर मैं इसको पूरा तोड़ दूं तो इसमें 0.1 मोल मुझे नाइट्रोजन मिल जाएगा और 0.3 मोल मुझे हाइड्रोजन मिल जाएगा। सफदर क्या सोल्व कर लोगे आप बोलो? ग्रीन बोर्ड पे नहीं होगा भाई ये, ग्रीन बोर्ड से बेटर है। ग्रीन बोर्ड पे खड़े होके नहीं होगा, ऐसे ही होगा डिस्कशन, और मुझे लगता है ये ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी बच्चे अपनी राय शेयर करो, क्या ग्रीन बोर्ड पे जाने की आवश्यकता है क्या खड़े होके, या ये तरीका बेटर है? बोलो भाई बच्चों, ग्रीन बोर्ड पे जाने की तो जरूरत नहीं है ना, यही परफेक्ट है ना, मुझे तो परफेक्ट लग रहा है ये। अब उसका कहना है कि खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके जैसे कराते हैं ना, मेरे को तो ये मेथड बेस्ट लग रहा है भाई। अच्छा शादी के कर लोगे ना? बता दिया है मैंने, शादी क्यों हो जाएगा बोलो भाई? शादी जिस बच्चे ने पूछा है ना वो फटाफट रेस्पॉन्ड करे भाई, टाइम नहीं है ज्यादा। सुशांत ने पूछा था, किसने पूछा था शादी? किसने पूछा था? ये पांचवा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये पूछा था सबदन ने पूछा था शायद। किसने पूछा था भाई? हर्ष ने पूछा था। हर्ष क्लियर है क्या भाई बताओ? बोलो, सारे ऑप्शन चेक करो, तुम चेक करो ना यार, कुछ तो मैंने, तुम भी करोगे। बता दिया मैंने तरीका, ये देखो कौन से ऑप्शन में बताऊं, कौन से ऑप्शन में चेक करने के लिए बोल रहे हो बताओ, कौन से ऑप्शन में चेक करा रहे हो? ऑप्शन भी बता दो भाई, चौथे में कौन सा? ऑप्शन सी, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे यार? अमोनिया में क्या होता है कि जब ये 17 ग्राम देते हैं हम, तो हाइड्रोजन इसमें 3 ग्राम होता है और नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है, तो परसेंट हाइड्रोजन बराबर 3/17 × 100, बस खत्म। ये मास परसेंट, क्या क्लियर है सुशांत? हर्ष, सुशांत हर्ष क्लियर है कि नहीं ये बताओ, समझिए। चलिए भाई 5 से 8 में कोई डाउट? फाइव से एट में कोई डाउट? पांचवा, छठा, सातवा, सादिक ने पूछ लिया छठा, सबदन ने पूछ लिया आठवां, और अनुषा ने पूछ लिया आठवां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो, एकदम एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जा रहे हो। 5 से 8 में 5, 6, 7, 8, चलो कोई नहीं, शुरुआत में तो बता देता हूँ, पेशेंस रखते, बाद में फिर मैं तुम्हें ना कोसूंगा फिर उसके बाद, है ना? आज पहली क्लास है इसलिए कोस नहीं रहा हूं, ठीक है ना? और ये ना हर्ष, आगे के क्वेश्चन मत लिखो भाई, 5 से 8 में पूछा है तो 5 से 8 में पूछना है, ठीक है ना? पढ़े लिखे आदमी हो तुम, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखो, 5 से 8 के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, जब पूछूंगा ना 9 से 12 तब बोलना है। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कंपाउंड प्रोड्यूस 8% सल्फर बाई मास, द लीस्ट मोलिकुलर मास। 8% सल्फर है भैया, तो अगर ये पूछ रहा है लीस्ट मोलिकुलर मास, तो अगर मैं एक मोलिक्यूल ले लेता हूं कंपाउंड का, तो इसमें मिनिमम एक सल्फर एटम होगा। मोलिक्यूल का मास मैंने मान लिया 1 cmu, सल्फर का मास होगा 32 cmu, तो परसेंट सल्फर बराबर 32/x/100, इट इज गिवन एज 8। अननोन क्या बच गया भैया? एक्स। बोलो समझ में आ गया क्या सबको? सादिक डोंट गाइड हर्ष, है ना? ये क्या बोला, डोंट सी रिकॉर्डेड वीडियोस, ये क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। हर्ष डोंट सी रिकॉर्डेड वीडियोस, सादिक ऐसा क्यों लिखा भाई? आपस में चैट मत करो भैया, आपस में चैट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, समझ गए बात को?
ठीक है ना, आपस में कोई चैट नहीं करेगा, पर्सनल कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ टीचर से बात करेगा, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपस में कोई चैट नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे साथ चैट करना है आपको। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पांचवा हो गया भैया आपका, छठा। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है, कार्टिसन इज ए कंपाउंड कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मोलिक्यूल, द मास परसेंट ऑफ कार्टिसन 69.98। ये बोल रहा है एक मॉलिक्यूल में 21 एटम कार्बन है और कार्बन की परसेंटेज 69.98 है बाई मास। तो भाई ये कार्टिसन का मॉलिक्यूलर मास 1 से mu मान लिया, 21 कार्बन यानी कि 21 × 12 mu ये मास हो जाएगा, तो परसेंट कार्बन 21 × 12/x × 100 इज गिवन एज 69.98। क्या सोल्व कर लोगे भैया? क्या समझ में आ गया? ऐसा कहना है कि आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। चलो भैया, मुझे लैग तो नहीं दिखाई दे रहा यार। जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ हाय, मैंने लिखा हाय, तुरंत ही तो आ गया, कहाँ लैग हो रहा है? सही तो है। सेवेंथ क्वेश्चन बता रहा हूँ, 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14 पॉइंट। अच्छा सेवन, प्लीज स्लोली। चूबा का कहना है, ये चूबा क्या नाम, क्या नाम है यार ये? मतलब मैं नाम तो नहीं बिगाड़ रहा हूँ तुम्हारा। CHUBA को चूबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या कुबा? मैनन, मैनन तो मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, मैनन तो मैं सही पढ़ रहा हूँ। चलो क्लियर है भाई, चूबा सही पढ़ रहा है, चूबा। हर्ष ने लिखा है चूबा, चूबा सही है। ऐसा तो नहीं है कि तुम बोलोगे ऐसा ने नाम बिगाड़ दिया मेरा, सही है। चलो तो चुपा भाई, ऐसा है सेवन क्वेश्चन बता दिया है, सिक्स बता दिया है, सिक्स समझ में आ गया होगा सबको। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। पर मैं थोड़ा सा तेज बताता हूँ हमेशा, मैं उन्हीं बच्चों के लिए बताता हूँ जो कि मेहनत करते हैं और सेलेक्ट होने लायक अपना कैलिबर डेवलप कर रहे हैं। सेवन क्वेश्चन बता रहा हूँ, 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ नाइट्राइट। ठीक है ना, ये दिख रहा है पीछे, 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम नाइट्राइट, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज। ठीक है, आप देखो 12 ग्राम अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम नाइट्राइट, नाइट्राइट का मतलब होता है N-3। अब आप ये समझ लो, अल्कलाइन अर्थ मेटल दे ऑलवेज फॉर्म्स N+2 आयन, N+2 आयन। तो ये जो नाइट्राइड का फार्मूला होता है ना, ये होता है M3N2, ये इसका फार्मूला होगा। कैसे आया? जैसे आप दो आयन जोड़ रहे हो, M+2 और N-3, तो इनके चार से आप क्लोज मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फार्मूला आ जाता है ये वाला। मैं यार रिएक्शन लिख रहा हूं कि 3M+N2 गिव्स M3N2, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन, तो एन मेटल अपॉन 3 मोल एनालिसिस लिखा मैंने, अपॉन 1। ठीक है, मोल मेटल कितना आएगा? 12 ग्राम है और इसका मोलर मास x मान लिया। मोल नाइट्राइड का कितना आएगा? 14.8 ग्राम अपॉन 3 × x, 3 मेटल है इसमें, प्लस 2 × 14। क्या अननोन एक्स निकालोगे भैया? बोलो, क्या बात समझ में आई है? सेवंथ क्वेश्चन, अगर सेवन समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ भैया, ठीक है ना। एट्थ क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने एट्थ भी पूछा है। एट्थ किसने पूछा है? बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को तो ये। एट्थ किसने पूछा है? हाँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा, हर से हमेशा ये पूछता है कि एक्सप्लेन कर लो, एक्सप्लेन कर लो, दोबारा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पर कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो भाई, ठीक है ना।
कंसंट्रेशन बना के रखो। अल्कलाइन अर्थ मेटल 12 ग्राम, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। दे फॉर्म आयन M+2। नाइट्राइड का फॉर्मूला है M3N2। ठीक है, ये कैसे निकाला? इस तरीके से। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब मैंने रिएक्शन लिखी कि 3M+N2 गिव्स M3N2, बैलेंस रिएक्शन है। मोल मोनालिसिस एन मेटल अपॉन 3 N M3N2/1, और मेटल के मोल क्या हो जाएंगे? मास इसका दे रखा है 12 ग्राम, और ये 1 ग्राम मान लिया मोलर मास, और इसका मास दे दिया तो 3M है, तो 3x+28 ग्राम इधर जोड़ा, अननोन एक्स आ गया। क्या समझ में आ गया क्या हर्ष? हर्ष का कहना है वीडियो विजिबल प्रॉपर नहीं दिख रहा है सर, अगेन लेगिंग। कोई नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी स्क्रीन पे तो आ रहा है ना हर चीज? मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है, ये नेट प्रॉब्लम हो सकता है भैया, मेरी स्क्रीन पे कोई लेगिंग नहीं है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया भैया? बोलो, 10th तक कोई डाउट बच्चों? 10th तक कोई डाउट? हर्ष क्या कहना है 8th क्वेश्चन? अरे 8th बड़ा आसान है हर्ष यार, ऐसे क्वेश्चन तो करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो करने होते हैं। देखो स्क्रीन पर एक्सिस ऑफ क्यू ले लिया है ना, तो क्यू के हिसाब से तो रिएक्शन होगी नहीं, 2p से r दे रहा है, एक ही झटके में हो जाएगा, 2p+qr। तो n p कितना दे दिया भैया? p दे दिया 8 मोल, 8 मोल है ठीक है, और ये तो एक्सिस में है, तो बस रिएक्शन में ये पूछा है, तो 2 से बनता है ये 1, तो 8 से कितना बन जाएगा? 4, बस खत्म, r फॉर्मूला। बोलो तो बच्चों, आज अपना DPP 1-2 का डिस्कशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में DPP 3-4 करो, तुम्हें कोई शेड्यूल जानने की जरूरत नहीं है, ऐप पर जैसे जैसे आता जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा। सर ये डिस्कशन करने हैं, इसके वीडियो देखो, रिकॉर्डेड नोट्स बनाओ, और सॉल्व करने के बाद यहाँ आके क्वेश्चन पूछ लो भैया। सिंपल प्रोसीजर है, जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा उसको फायदा होगा, और जो वैसे ही बारात में शामिल होने आ रहा होगा उसको फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ध्यान रखो, डिस्कशन क्लास उसी के लिए फायदेमंद होती है जो पढ़ रहा होता है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो पूरा फायदा उठा लोगे, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। अच्छा, डिस्कशन खत्म होने के बाद आप कोई डाउट भी पूछ सकते हैं थ्योरी से। डिस्कशन में खत्म कर चुका हूं है ना सर, प्लीज एक्सप्लेन सेट एंड रिलेशन वीडियो लेक्चर, ये क्या करना भाई इसका अर्थ? अपलोड, हाँ अपलोड करेंगे ये, ठीक है ना, अपलोड करेंगे। देखो अभी लॉकडाउन की वजह से जो है ऑफिस बंद कर रखा है, तो ये सारे काम जो भी प्रॉब्लम है ना, ये मैं कुछ टाइम बाद सोल्व कर पाऊंगा ऑफिस में। जैसे ओपन कर, ताला लगा हुआ है ऑफिस में लॉकडाउन की वजह से, जब भी ऑफिस में बैठेंगे तो ये सब प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर देंगे सोल्व ये प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो बच्चे थ्योरी में भी डाउट तुम पूछ सकते हो, इस क्लास के अंदर तुम क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये क्लास मजा आया होगा, ये क्लास में तुम्हें मजा आया होगा, और तुमको ये लग रहा होगा कि यार अपन ने न्यूक्लियोन, हम सबसे, यूं मान लीजिए सबसे कम कीमत पे सबसे अच्छी क्वालिटी देने वाले हैं। कोटा का कंटेंट है, ये रेजोनेंस की शीट है जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और तुम ये समझ लो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन का सेट है, डिस्कशन हो रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोटा का जो कंटेंट जितना हो सकता है वो पूरा यहाँ आ गया है, टेस्ट पड़े हुए हैं कोटा के, बने हुए ऑलरेडी सिंगल टॉपिक वाइज, बच्चा ये नहीं कह सकता कि कोई कमी है। ठीक है, सबसे कम कीमत में सबसे अच्छी क्वालिटी, ये हमारा मकसद है। तुम इसको कंपेयर कर लो कहीं भी किसी भी सिस्टम से, जो आज वेदांतु अनअकैडमी ले रहे हैं, कोई भी ले रहा होगा ना, तुम ये देख लो कि सबसे अच्छा सिस्टम हम देने वाले हैं बच्चे को, ठीक है ना। तो ये वर्ड ऑफ माउथ जाना चाहिए बच्चों के पास, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनको तुम बताओगे कि भाई ये चीज न्यूक्लियॉन पे है, तू ज्वाइन कर। ठीक है, मोल कॉन्स्टेंट 6.022 और 6.02, भाई 6.022 है, लेकिन 6.02 दे दिया है तो उससे भी आंसर आ जाएगा, अगर ऑप्शन में बहुत अंतर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 6.02 से भी सोल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट बच्चों? थ्योरी का कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन तो करेंगे सही हम डिस्कस यहाँ पे। ठीक है, प्रखर कह रहा है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ बच्चों तुम्हें करना है बेस्ट, मेहनत तुम्हें करनी है। If two or more reacting solution are mixed and no precipitate is formed, explain please.
ऐसे होता है यार कि दो सॉल्यूशन जैसे H2SO4 और NaOH मिला दिया तो ये बना देता है Na2SO4, पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज, ये रिएक्शन उसका एग्जाम्पल।